नमस्कार, जय मां भारती। बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में सीए और एनआरसी के खिलाफ हो रहे एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अमूल्या लियोनी नाम की ये लड़की स्टेज के ऊपर चढ़ती है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देती है। जिस समय ये ऐसा करती है उस समय स्टेज के ऊपर ओवैसी जैसा एक बड़ा नेता और भी कई लोग मौजूद थे और ये लड़की इस बात का अच्छे से फायदा भी उठाती है। ये अच्छे से जानती थी कि जब तक स्टेज के ऊपर ओवैसी जैसा एक बड़ा नेता मौजूद है तब तक वहां खड़ी भीड़ का ध्यान स्टेज पर ही रहेगा। अब देखेगा दोस्तों के कैसे हमारे देश का लिब्रांडू मीडिया इसको रातों रात एक बहुत ही बड़ा स्टार और आइकन बना डालेगा। इसके इस एक्शन को पूरी तरह जस्टिफाई किया जाएगा। हमारे देश के जाने माने पत्रकार अपने अखबारों में इसके इंटरव्यूज छापेंगे और जाने माने टीवी एंकर इसको भरपूर स्क्रीन टाइम देंगे। एक साल के भीतर भीतर ये सीपीआई सीपीएम या फिर आपके टिकट पर चुनाव भी लड़ लेगी और हो सकता है कि 2-3 साल के अंदर अंदर इस देश की संसद में भी पहुंच जाएगी। क्या ये मेरे इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ पर एक स्टार बनने के लिए, एक आइकन बनने के लिए आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समाज सेवा करने की, ग्रास रूट लेवल पर गरीब आदमी के बीच, आम आदमी के बीच रहकर अपनी चप्पलें घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको पाकिस्तान जिंदाबाद या भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने हैं। हमारी मीडिया आपको रातों रात आइकन और स्टार बना डालेगी। दोस्तों, आखिर कौन है यह अमूल्या लियोनी? ये एक सेल्फ डिक्लेयर्ड नियो लिबरल है, एक वामपंथी है। इसके पिता जनता दल के कार्यकर्ता हैं और अब बेंगलोर पुलिस ने इसके ऊपर सेडिशन का मुकदमा दर्ज कर दिया है और अदालत ने इसको न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। सेडिशन का मुकदमा, दोस्तों ये एक ऐसा चार्ज है जिसके तहत मेरे इस देश में आज तक किसी को कभी भी कोई सजा नहीं मिली है। दोस्तों, आखिर ये अमूल्या लियोनी जैसे लोग ऐसा करने की हिम्मत लाते कहां से? जिस देश के सैनिक आए दिन मेरे देश के वीर जवानों की पीठ पे हमला करके उन्हें शहीद कर देते हैं, उनकी आंखें निकाल लेते हैं, उनके सिर उतार कर अपने साथ ले जाते हैं, ऐसा देश इनके लिए जिंदाबाद कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस देश के वामपंथियों का हमेशा से यही फलसफा रहा है, हर वो व्यक्ति या देश जो इस देश का दुश्मन है इनके लिए हमेशा से ही जिंदाबाद रहा है। दोस्तों, अमूल्या लियोनी पहली ऐसी वामपंथी नहीं है। इस देश का इतिहास तो ना जाने कितनी अमूल्या लियोनियों से भरा पड़ा है। 1950 से लेकर अभी पुलवामा तक इस देश के वामपंथी हमेशा ही इस देश की फौज और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को अपना दुश्मन समझते आए हैं। लेकिन आखिर क्यों? अमूल्या लियोनी, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और शैला रशीद जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की मानसिकता को अच्छे से समझने के लिए हमें अपने इतिहास के कुछ पन्नों को उलटना पड़ेगा। हमें 1962 में जाना पड़ेगा। चीन भारत के ऊपर आक्रमण कर चुका था और भारतीय फौजों को भारी जानी और माली नुकसान झेलना पड़ रहा था। इसी दौरान सीपीआई की पार्टी हाईकमान, सीपीआई के पोलित ब्यूरो मेंबर वी एस अच्युतानंद जो 2006 से 2011 तक केरला के मुख्यमंत्री रहे, उनको एक दिन अचानक पार्टी से निष्कासित कर देती है। केरला की राजनीति में भूचाल आ जाता है। सबके मुंह पर बस एक ही सवाल था कि भैया अच्युतानंद से ऐसी आखिर क्या गलती हो गई है कि उनको सीधा पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया है। तो अच्युतानंद की गलती ये थी कि वो ये चाहते थे कि युद्ध में घायल हो रहे भारतीय फौजियों के लिए सीपीआई के कार्यकर्ता अपना खून दान में दें, ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं, और वो भारतीय फौजी जो राशन की कमी में चीनी फौजों से लड़ रहे थे उनके लिए राशन सप्लाई करने का काम भी करें। सीपीआई के वामपंथी नेतृत्व के अनुसार वीएस अच्युतानंद की यह गलती कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी। उनके अनुसार अच्युतानंद का यह प्रो इंडियन आर्मी स्टैंड पार्टी विरोधी स्टैंड था और इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना बिल्कुल सही फैसला था। 1962 के युद्ध के दौरान केवल सीपीआई ही नहीं बल्कि इस देश के सभी वामपंथी खुलकर चीन का समर्थन कर रहे थे और मजे की बात यह है कि इन लोगों ने कभी इसको छुपाने का कोई प्रयास भी नहीं किया। इस देश के वामपंथियों के अनुसार उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत देश से कहीं ऊपर थे। सीपीआई के कई नेताओं ने यह बात उस दौरान खुलकर कही थी कि वीएस अच्युतानंद के इन एक्शन से भारतीय फौज और भारतीय सरकार को फायदा पहुंचा है, इसलिए अच्युतानंद पार्टी विरोधी हैं।
यदि हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 1950 के दशक को भारत में कम्युनिज्म के साथ चले अपने रोमांस के लिए जाना जाएगा। रोमांस भी ऐसा कि कई बड़े नेता जो भारत की स्वाधीनता के लिए बड़े बड़े बलिदान देने के दावे कर चुके थे, अब ये चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत के ऊपर चीन का राज हो। उस समय भारत डिप्लोमेटिक मान्यता प्राप्त करने वाला पहला गैर वामपंथी देश था। वहीं भारत के वामपंथी नेतृत्व का वैचारिक और भौतिक विकास वैसे नहीं हुआ था जैसे कि यूएसएसआर, चीन या फिर क्यूबा के नेताओं का हुआ था, और ना ही कभी भारत के वामपंथी नेताओं ने जंगलों में रहकर अति प्रतिकूल परिस्थितियों में अंग्रेजों से कोई लोहा लिया था। हमारे ज्यादातर वामपंथी नेता तो बड़े बड़े अमीर घरानों से संबंध रखते थे, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे, महंगे महंगे सूट बूट पहना करते थे, और ये इन लोगों का ये इंग्लैंड में बिताया हुआ समय ही था जिस दौरान इनके दिमागों में वामपंथ का बीज बो दिया गया था। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत के ऊपर अपने राज को सही ठहराने के लिए लेफ्ट लिबरलिज्म से अच्छा हथियार नहीं हो सकता। उनके अनुसार यही वो हथियार था जिसके द्वारा भारतीयों के दिलो दिमाग से उनके गौरवपूर्ण इतिहास की यादों को पूरी तरह मिटाया जा सकता है। 7 नवंबर 1950, उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखी एक अपनी चिट्ठी में कहते हैं, कई सदियों में पहली बार भारतीय फौजों को दो मोर्चों पर एक साथ अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ रहा है। अभी तक हमारे सारे सुरक्षा प्रयास केवल पाकिस्तान के ऊपर श्रेष्ठता कायम करने पर ही केंद्रित रहे हैं, लेकिन मेरे आकलन के अनुसार अब समय आ गया है कि हमें चीन से भी टक्कर लेनी होगी। इतिहास साक्षी है कि केवल 12 साल बाद सरदार पटेल का यह आकलन कितना ज्यादा सटीक साबित हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि 1950 में उनकी इस चेतावनी को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, क्यों पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। हमारे देश का उस समय का राजनीतिक नेतृत्व जिसके अनुसार हमें स्वाधीनता सत्याग्रह के सिद्धांतों से मिली थी, उसके लिए वामपंथी विचारधारा घिनौनी क्यों नहीं थी। एक ऐसी विचारधारा जो यूएसएसआर से चीन होते हुए भारत में प्रवेश कर रही थी और अपनी इस यात्रा में 50 लाख से ज्यादा लोगों की बलि ले चुकी थी। हमारे इन अहिंसा के पुजारियों ने खून से सनी ऐसी विचारधारा को इतने प्यार से गले आखिर क्यों लगा लिया था। 50 के दशक का अंत आते आते भारत के राजनीतिक वर्ग में भारतीय फौज के प्रति नफरत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ये लोग अभी भी भारतीय फौज को एक कॉलोनियल उपकरण की तरह ही देखा करते थे, जबकि वो बात अलग थी कि इन लोगों का पालन पोषण खुद अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के हितों को साधने के लिए ही किया गया था। 50 के दशक में आर्मी चीफ रहे एक जनरल को उनके मुंह पर एक मंत्री ने यह बोला था कि चीन के बारे में सोचना या बात करना तुम्हारा काम नहीं। शायद यही कारण था कि उस समय अंतरराष्ट्रीय वामपंथी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे यूएसएसआर के लिए भारत के राजनेताओं को अपनी कठपुतली बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। 1957 से लेकर 62 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन तो भारतीय फौज को इतना फालतू समझते थे कि उनके जोर देने पर भारतीय फौजों को खेती बाड़ी और बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए डिप्लॉय करने पर भारतीय संसद में बहस भी शुरू हो गई थी। असल में 50 के दशक में कांग्रेस का कोई राजनीतिक कंपटीशन इस देश में था ही नहीं। कोई भी राजनीतिक पार्टी दूर दूर तक कांग्रेस के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं थी, और शायद यही कारण था कि बिना किसी सबूत के केवल ख्याली संदेहों के आधार पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग फौज को अपना दुश्मन मानने लगा था। कांग्रेस के कई बड़े नामी नेता खुलकर ये कह रहे थे कि यदि भारतीय फौज ज्यादा ताकतवर हो गई तो उनका तख्ता पलट भी कर सकती है। भारत के ऊपर चीनी आक्रमण से एक दिन पहले तक भी रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि चीन भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला है। मेनन अपने लेफ्ट प्रेम में इतने ज्यादा अंधे हो चुके थे कि वो वामपंथी देशों के खिलाफ एक शब्द तक भी सुनना पसंद नहीं करते थे, और यही कारण था कि अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी आर्मी चीफ और किसी भी जनरल से एक नहीं बनी। लेकिन क्या ये एक अच्छे मंत्री का काम और ड्यूटी नहीं है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करते समय अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को किनारे रख दे? बिल्कुल, लेकिन ये काम वही आदमी कर सकता है जिसके लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो, ना कि अपनी व्यक्तिगत और राजनैतिक विचारधारा। जब किसी देश के चलाने वालों के लिए अपनी व्यक्तिगत और राजनैतिक विचारधारा राष्ट्रहित से ऊपर हो जाती है तो उन देशों के साथ वही होता है जो हमारे साथ 1962 में हुआ था।
1962 के युद्ध के दौरान जब चीनी फौजें हमारे फौजियों को बर्बरता के साथ शहीद कर रही थी, जिस समय हम चीन से हार रहे थे उस समय भी सीपीआई और सीपीएम के पार्टी दफ्तरों में माओ की तस्वीरें बिल्कुल ऐसे ही टंगी हुई थी, उनको हटाया नहीं गया था। R&AW के पूर्व ऑफिसर आर.के. यादव अपनी किताब मिशन R&AW में लिखते हैं कि 1962 के बाद भी, चीन के हाथों बुरी तरह हार जाने के बाद भी, जब हमारे वामपंथी नेता विदेशी यात्राओं पर जाया करते थे तो इन लोगों के पास उस देश में पोस्टेड भारतीय राजदूत को अपनी शक्ल दिखाने तक का समय भी नहीं होता था, क्योंकि इन लोगों का सारा समय उस देश के चीनी और सोवियत दूतावासों में ही बीता करता था। यादव अपनी किताब में लिखते हैं कि 1962 के बाद भी हमारे ये वामपंथी नेता अपनी विदेशी यात्राओं के दौरान अपनी सबसे पहली हाजिरी चीनी दूतावास में ही लगाया करते थे। और दोस्तों, आज भी कुछ नहीं बदला है, हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, बल्कि बद से बदतर हो गए हैं। पुलवामा के बाद जब हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की तो हमारे देश के ज्यादातर वामपंथी नेता बिल्कुल इमरान खान की ही भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा समय जब इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को एक होकर भारत सरकार को अपना समर्थन देना चाहिए था, ऐसे समय में भी सीपीएम के केरला के सेक्रेटरी कोडियेरी बालाकृष्णन बयान देते हैं, भाजपा सरकार आगामी लोकसभा चुनावों में होने वाली अपनी हार से डर गई है और इसलिए युद्ध के डर का इस्तेमाल कर समुदायों का ध्रुवीकरण कर रही है। दोस्तों, कोई बालाकृष्णन साहब से पूछे कि पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करने में समुदाय आखिर कहां से आ गए? आखिर क्या समुदाय है भारतीय सरकार का? क्या समुदाय है भारतीय वायुसेना का? क्या समुदाय है उन पायलट्स का जो उस सुबह MiG-21 उड़ा रहे थे? क्या समुदाय है उस बारूद का जो उस सुबह बालाकोट की धरती के ऊपर गिरा था? और क्या समुदाय था सीआरपीएफ के उन जवानों का जिन्हें पुलवामा में शहीद कर दिया गया था? कहानी का सार ये है दोस्तों कि अमूल्य लियोनी जैसे लोगों को एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा की तरह देखना चाहिए, एक ऐसी दूषित विचारधारा जिसकी सड़ांध पहले दिन से ही इस देश की जड़ें खोखली करने का काम कर रही है। आपके और मेरे लिए देश सर्वोपरि है, देश धर्म जात पात और किसी भी विचारधारा से कहीं ज्यादा ऊपर है, लेकिन इन लोगों के लिए ऐसा नहीं है। इन वामपंथियों के लिए तो अपनी ये दूषित खून से सनी विचारधारा ही सब कुछ है, ये विचारधारा ही सर्वोपरि है। इनके लिए तो इनकी इस विचारधारा का किसी भी कीमत पर दुनिया में प्रचार और वर्चस्व होना चाहिए, चाहे इसके लिए देश के टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना करने पड़े, चाहे इसके लिए देश में गृह युद्ध करा लाखों लोगों की बलि ही क्यों ना चढ़ानी पड़े, इन लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।